अभी मैं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना कोई भी, गुरु रंधावा का जो गाना आया था पिटबुल के साथ, मतलब टट्टी गाना था वो, सुन के कानों से खून आ जाए इंसान के, मतलब फालतू गाना। पिटबुल को मतलब कुछ भी, किसी के नाम पे कुछ भी बेचोगे तो पब्लिक सुनने वाली नहीं है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो ये गाना है वो एक है पंजाबी सॉन्ग, इस गाने का नाम है मेरी वाली सरदारनी। इस गाने का एक पहला पार्ट भी आ चुका है, मेरा वाला सरदार, तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, हाफ हाफ इसको बोल सकते हैं। इस गाने को गाया है जुगराज संधु ने, तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। ओके स्टार्ट। हाँ, ये जो एक्ट्रेस है नेहा मलिक, वो मेरी फेवरेट है। मतलब एक और गाना आया था इनका इससे पहले, बताता हूँ लास्ट में। ਗੁਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਐਸਾ ਜੁੜਿਆ, ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆਈ ਆਉਂਦੀ ਆਪਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਚੰਗੇ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰਨੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਲੋਪ ਜੱਗਦੀ ਨੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਥੋਂ ਵਾਰਨੀ। आजकल पंजाबी सॉन्ग की तरह नहीं है, वो रैप सॉन्ग जो होते हैं, कार्स, सुपर कार्स, हॉट लड़कियां, ये बिल्कुल नॉर्मल, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। कल भी तो चंगा लगे सूट पट्टे वाला वे, कड़ा मेरे नाम वाला गोट विच पाला वे, संधू तेरे गीत मेरे दिल विच चल दे, बुलियां ते रहिंदा सरदार मेरे वाला वे। कल भी तो चंगा लगे सूट पट्टे वाला वे, कड़ा मेरे बहुत ही, मुझे लग ही नहीं रहा कि कोई पंजाबी सॉन्ग देख रहा, इतना प्यारा। लड़की हमें मिल जानी चाहिए। इसलिए तो नेहा मलिक मेरी फेवरेट है।
ओके तो कितना प्यारा सॉन्ग था. मतलब जो सॉन्ग्स हम लोग देखते हैं पंजाबी सॉन्ग्स जो होते हैं जिसमें अभी जो चला हुआ है कल्चर, कार्स होनी चाहिए, हॉट मॉडल्स होनी चाहिए, फॉरेन का लोकेशन होना चाहिए. आप ये गाना देखो, देखो ये गाना इसमें क्या है. सिंपल घर का लोकेशन है, गार्डन का लोकेशन है, एकदम सिंपल है. मतलब इतना इतना अच्छा लग रहा है गाने में. म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है, मतलब कमाल का गाना. मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया इस गाने. ये गाना कल ही रिलीज़ हुआ है और ट्रेंडिंग में था ये गाना. और जब मैंने प्ले करके देखा तो एक नज़र में ही मुझे लग गया कि ये गाना जो है बाकी से अलग है, इसलिए मैंने इसका रिएक्शन वीडियो बनाया. तो बात कर इस गाने के बारे में, तो इस गाने को गाया है जुगराज संधू और रूही सेठी ने. इस गाने में जो आपने जो मेन दो कैरेक्टर्स देखे, तो पहला जो है जुगराज संधू, उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है. और उसके बाद नेहा मलिक है. नेहा मलिक को मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ. एक और जो गाना आया था अभी सखियाँ करके जो सॉन्ग था, वो अभी जो टिकटॉक पे बहुत सारा वायरल हुआ था, भयानक तरीके से टिकटॉक पे वायरल हुआ था वो गाना. बहुत सारे उसके वीडियोस बना रहे थे, तो आप जाके वो गाना देखो. वो गाना वाकई बहुत ही अच्छा है. तो इस गाने के लिरिक्स जो हैं वो लिखे हैं URS गुरी ने, म्यूजिक दिया है डॉक्टर श्री ने, और इस गाने के सिनेमेटोग्राफर है नवजोत कौर. तो गाना काफ़ी अच्छा है. आपको पंजाबी, अगर पंजाबी गाने पसंद हैं तो ये गाना बिल्कुल सुन सकते हैं. और बात करूँ मैं तो पंजाब में बहुत सारे सिंगर्स हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं. और अभी वाले नहीं, सीरियसली बोलूँ तो अभी वाले जितने भी हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं. अभी मैं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना कोई भी, गुरु रंधावा का जो गाना आया था पिटबुल के साथ, मतलब टट्टी गाना था वो. सुन के कानों से खून आ जाए इंसान के. मतलब फालतू गाना पिटबुल को, मतलब कुछ भी किसी के नाम पे कुछ भी बेचोगे तो पब्लिक सुनने वाली नहीं है. ठीक है तुमको फॉलो करते हैं लोग इस, लेकिन इसका ये मतलब नहीं. अच्छी चीज़ दो ना, अच्छी क्वालिटी का दो. मतलब कुछ भी उठा के पिटबुल को ले आओगे तो क्या वो गाना चल जाएगा टकलू साला वो. तो सॉरी गाली दे रहा हूँ तो, लेकिन जो है वो वही बात है. तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.